हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ अड्डा। मेरा नाम है विकास और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज। कंपनी का आईपीओ आने वाला है। कंपनी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में है। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ आईपीओ की। आईपीओ खुल रहा है 27 अगस्त को और क्लोज होगा 29 अगस्त को। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 427 रुपये से 450 रुपये है। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 2830 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें जो ओएफएस है वो 1540 करोड़ के आसपास का है और फ्रेश इशू जो है वो 1290 करोड़ का है। सो इस वक्त कंपनी के फ्यूचर, कंपनी के प्लान्स, कंपनी क्या करती है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं चिरंजीव सिंह सलूजा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेरे साथ हैं अदापा श्रीनिवास जो चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं इस कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। पहला सवाल मैं चिरंजीव जी आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि कंपनी के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कंपनी करती क्या है, क्या ग्रोथ जर्नी रही है अब तक की, और इसका थोड़ा डिटेल बताइए कोर क्या है कंपनी का। तो ये कंपनी 1995 में स्टार्ट हुई थी, 29 ईयर्स अगो। ये कंपनी हमारे चेयरमैन सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा जी ने इनकॉर्पोरेट की थी। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। हम उस टाइम पे बहुत स्मॉल स्केल में सोलर लैंटर्न, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर होम लाइट बनाते थे। और पहले कंपनी के 4 साल में हमने ओवर 10 लाख हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में। 1997 में मैंने ज्वाइन किया कंपनी को और 1999 में हमने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, दैट इज 25 साल पहले। और 2010 और 2011 में सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, 14 साल पहले। तो आज जो कंपनी है ये 2 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी ऑपरेशनल और मॉड्यूल करीबन 4 गीगावाट की है। हम इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग सोलर मैन्युफैक्चरर्स में से माने जाते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है यूएस को भी एक्सपोर्ट होता है। सोलर सेल हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। जो यूएस में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारे हाई एफिशिएंसी सेल यूज़ करते हैं यूएस में मॉड्यूल बना के यूएस में पावर प्लांट्स में सप्लाई करने के लिए। तो आज जो है जिस आईपीओ के लिए हम जा रहे हैं, इस आईपीओ में जो हम रेज कर रहे हैं प्राइमरी रेज, ये हमारे फर्दर एक्सपेंशन के लिए है। इस आईपीओ के रेज से हम 4 गीगावाट और सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की लगा रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि आईपीओ से आप करने क्या वाले हैं, आईपीओ से जो फंड मिलेगा उससे। लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है समझना कि ओएफएस के दौरान जो ओएफएस है वो पूरा, उसमें कौन बेच रहा है हिस्सेदारी, प्रोमोटर्स से है या फिर अदर इन्वेस्टर्स हैं जो हिस्सेदारी बेच रहे हैं इसमें? तो आप देखेंगे कि जो ओएफएस है वो करीबन 1300-1350 करोड़ का है। उसमें लगभग 80% जो ओएफएस है वो हमारा एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उस कंपनी का नाम है GEF कैपिटल। ये वाशिंगटन DC बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड है, ESG फोकस्ड फंड था ये, जिसने 2021 में प्रीमियर में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो आज वो एग्जिट ले रहे हैं, पार्शियल एग्जिट है उनके लिए भी ये। और जो बाकी का करीबन 250-300 करोड़ का जो OFS है वो एज ए प्रमोटर मैं कर रहा हूँ। ये हमारी कंपनी की ये पहला लिक्विडिटी इवेंट है 29 साल में। तो मेजॉरिटी ऑफ द OFS प्राइवेट इक्विटी फंड पार्शियल एग्जिट ले रहे हैं। श्रीनिवास, आपसे मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो बताया जैसे कि यूएस में बिजनेस आपका है, सेल आप वहाँ पे देते हैं और वो उसको मॉड्यूल में सप्लाई करते हैं, मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करके उसको वहाँ बेचते हैं वहाँ के मार्केट में। रेवेन्यू का शेयर क्या है यूएस का जो मतलब सप्लाई करते हैं, यूएस में जो सेल सप्लाई करते हैं उसका शेयर क्या है और इंडिया के रेवेन्यू का शेयर क्या है? आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर यूएस अगर आप देखें तो हमारा स्ट्रेटेजी ये रहा कि हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, हम उस पोजीशनिंग के साथ इंटर करें मार्केट, जो हमने वही चीज़ की है 2 साल में। एंड टुडे एज वी टॉक वी आर द लीडिंग सप्लायर ऑफ सेल्स टू द यूएस, राइट? हम इंडिया से जितने सेल्स जाते हैं यूएस में, हमने लीडिंग सप्लायर ऑफ यूएस सेल्स इन टू द यूएस, राइट? टू योर क्वेश्चन, बट हमने पोर्टफोलियो को जो है काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। ऐसे हमने वी डिडंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, राइट? सो यूएस इज अ ग्रोथ मार्केट है, बट फिर भी हमारा अगर सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, इट इज़ लेस देन 20% ऑफ द टोटल सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। आर एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज ओनली लेस देन 20%, राइट? बट हैविंग सेड दैट, फ्यूचर प्लान्स यूएस में भी है। वी विल कंटिन्यू टू नर्चर दैट मार्केट, बट डाइवर्सिफाइड करके, बैलेंस करके, हम बोथ इंडिया, यूएस और कोई और एक्सपोर्ट मार्केट भी अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो विल गो विद आर सेल एंड टेक्नोलॉजी एज ए फोकस। ओके, हमने कंपनी के अब तक के डिटेल पर बात की लेकिन फाइनेंशियल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो मैं पिछले कुछ सालों के ट्रैक रिकॉर्ड्स को देख रहा था तो FY 2023 और 2022 प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से थोड़े कमज़ोर रहे हैं, बहुत माइनर लॉस है लेकिन ये रहा है लॉस। लेकिन 2024 में बहुत शानदार प्रॉफिट आपने दिखाई है और Q1 जो 2025 की रही है वो भी बहुत स्ट्रांग रही है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या चेंज हुआ इन पिछले 3 सालों में जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू पे इतना अच्छा इम्पैक्ट आया है। तो
सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इजी नहीं होता है। सेल मैन्युफैक्चरिंग लगाने को करीबन 2 से 2.5 साल लगते हैं और इन लाइंस को स्टेबलाइज करने को करीबन 6 से 8 महीना लगता है कि आप राइट एफिशिएंसी का प्रोडक्ट निकाल सको। तो हमने 2021 में अपना 750 मेगावाट का सेल लाइन कमीशन किया था और वो कोविड का ईयर था, तो उसी कारण उस साल में हमारे को थोड़ा सा ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को स्टेबलाइज करने में टाइम लग गया। और अभी जैसे हमारा कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो गया है और गोइंग फॉरवर्ड इसको हम और डबल कर रहे हैं, सेल में तो 4 गुना बढ़ा रहे हैं और मॉडल में डबल कर रहे हैं। तो ये जो आप हमारा फाइनेंशियल रीबाउंड या जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारी लाइंस जो लगी हैं वो कमीशन होने के बाद स्टेबलाइज हो गई हैं। तो एक बार जब सेल लाइन और मॉड्यूल लाइन स्टेबलाइज हो जाता है तब लाइन कंटिन्यूस ऑपरेशन में जब चलता है तो आपको राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो सिर्फ वही कारण था कि उस टाइम कोविड का ईयर था और अभी लाइंस पूरी स्टेबलाइज हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड हम इसको एक्सपांड करते जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है कि स्टेबलाइज होने के बाद ऑपरेशंस बढ़े और उसके हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि अभी 2 प्रोडक्ट्स हैं वो जिनसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, एक 16 सेल 16 मॉड्यूल। तो 2 प्रोडक्ट्स के साथ आपका 87% के आसपास का रेवेन्यू है, क्या आप फ्यूचर में कोई और प्रोडक्ट की तरफ भी बढ़ने की तरफ देख रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट भी आप अपने लाइनअप में ऐड करना चाहते हैं या फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स पे ही और आप फोकस करेंगे और कंट्रीज की तरफ और मार्केट्स की तरफ ज्योग्राफीज की तरफ आप बढ़ेंगे? तो हम सोलर सेल और मॉड्यूल तो फोकस रहा है और रहेगा। हमारी जो कंपनी की DNA में है कि हमने 25 साल पहले सोचा कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं और 14 ईयर्स अगो हमने सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था, तो हम इसको कंटिन्यू बरकरार रखना चाहते हैं। अभी हमने ऑलरेडी टाई अप किया है एक वेरी लार्ज इंटरनेशनल प्लेयर से जिनके साथ हम इंडिया में 2 गीगावाट का वेफर मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करेंगे। उसके बाद इनगॉट में जाएंगे। वेफर जो है वो सोलर सेल का रॉ मटेरियल है। आज 98% ऑफ वेफर दुनिया में सिर्फ चाइना में बनता है और हम चाहते हैं कि वेफर इंडिया में बने और वेफर मैन्युफैक्चरिंग लाइन हमारी अगले 1 साल में कमीशन हो जाएगी एंड उसके बाद हम इनगॉट में भी जाएंगे। एंड ज्योग्राफिक एक्सपेंशन में, क्योंकि US भी हमारा एक फोकस मार्केट रहा है, श्रीनी US मार्केट हैंडल करते हैं, तो US में भी श्रीनी आपसे शेयर कर सकेंगे कि हमारा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के क्या प्लान्स हैं। ओके, श्री US के मैन्युफैक्चरिंग के प्लान्स आप बताइए जरा दर्शकों। सो US का अगर आप लैंडस्केप देखें, राइट, US का जो इंस्टॉलेशंस है, सोलर इंस्टॉलेशंस ईयर ऑन ईयर जो है, अगर आप उसका नंबर देखें तो लगभग अबाउट 40 गीगावाट 40 गीगावाट पर ईयर ऐड हो रहे हैं, विच इज़ अमंग्स द टॉप 3 इंस्टॉलेशंस इन द वर्ल्ड, राइट। बट उन मॉड्यूल इंस्टॉलेशंस के लिए लोकल सेल सप्लाई नहीं है, बहुत कम है, राइट। 40 के करीब ऑलमोस्ट 5 odd gigawatts का है। तो हमने वहाँ पे जो फोकस जो किए हैं और अपॉर्चुनिटी देखे हैं, आगे जाके हम एक लोकल सेल प्रोडक्शन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कम प्लांट एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं इन द US, राइट। बट वी वॉन्ट टू डू इट इन ए वे स्ट्रेटेजिक मैनर, ताकि हम किसी लोकल प्लेयर के साथ जॉइंट वेंचर करें। सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर डूइंग। हम लोग एक नॉर्थ अमेरिकन बेस्ड कंपनी जो 20-22 साल से वहाँ US में फैक्ट्रीज चला रहे हैं ऑलरेडी, दे गो बाय द नेम ऑफ हीलियन, वेरी रिप्यूटेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके साथ हम जॉइंट वेंचर करके एक सेल प्लांट US में लगाने वाले हैं, विच फीड्स इनटू दिस ग्रोइंग मॉड्यूल डिमांड दैट इज कमिंग अप इन द US। जैसा हम लोग 20 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज एंड 11 ईयर्स ऑफ सेल का जो बनाना का तरीका है, टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी है, वो हम वी ब्रिंग टू द टेबल। हमारे पार्टनर्स जो हैं वहाँ के, इधर लोकल अंडरस्टैंडिंग जो है, कनेक्शंस वगैरह कुछ चाहिए, यूटिलिटीज कनेक्शंस चाहिए या प्लांट चलाने में मैन पावर कमिटमेंट्स एक्सेट्रा, दैट्स द एडवांटेज दे गेट। सो दैट्स द अनदर एक्सपेंशन प्लान इन US। सो इसका कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट, कुछ आपने मटेरियल ऐसा आइडेंटिफाई किया कि कितना असर पड़ेगा इसका रेवेन्यूज पे और प्रॉफिट पे? तो जैसा हमने एक चीज़ तो ये है कि अगर US में अगर आप IRA के बदले अगर आप कुछ करते हैं तो ये सेल प्लांट जो है इस पर 4 सेंट्स पर वॉट पिक टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी गवर्नमेंट का दिया हुआ मिलता है, राइट। US गवर्नमेंट का दिया हुआ मिलता है, बिकॉज हम US प्लांट की बात कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ वन। ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट दूसरा हम ये देख रहे हैं, जैसे इंडिया में DCR कॉम्पोनेंट है, डोमेस्टिक कॉम्पोनेंट के लिए डिमांड बढ़ रही है, वैल्यूएशन प्राइस अच्छा मिल रहा है, सेम थिंग US में भी हो रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट US में लोकली बना, आपको बेटर प्राइस प्रीमियम मिलेगा। सो आई कांट गिव यू एनी नंबर्स, बट दीज आर सम डायरेक्शनल थिंग्स विच विल यू नो गिव अस दैट मोर टेलविंड एज वी थिंक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी इन US। ओके, मैं DRHP पढ़ रहा था तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आपने बताए हैं और बहुत उसको आपने डिटेल में बताया है कि क्या है वो रिस्क फैक्टर, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं उसमें पूछना चाहता हूँ आपसे, ये कि जो टोटल परचेज है उसमें इम्पोर्टेड मटेरियल जो है वो एक बड़ा हिस्सा रखता है, करीब करीब मैं देख पा रहा हूँ कि 60% के आसपास का हिस्सा टोटल कॉस्ट जो इन परचेजिंग की है उसमें है।
और वो इम्पोर्टेड अदर कंट्रीज से है, तो फिर उसका थोड़ा सा असर पड़ता है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने पे या उसमें कुछ चेंजेस पे, पॉलिसीज के चेंजेस पर। तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या उपाय आपने सोच रखा है पहले? तो हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करने का कारण एक यही था कि पहले जब हम सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हमारी बहुत बड़ी थी और सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम थी, तब हमारा 80% इम्पोर्ट होता था। अब वो 60 पे आ गया है क्योंकि हम सेल खुद बना रहे हैं। एंड इसी को मिटिगेट करने के लिए अभी हम वेफर मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंडिया में लगाने वाले हैं, ताकि हम जितना हो सके आत्मनिर्भर हों और इम्पोर्ट पर डिपेंड ना हो। एंड ये ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और प्राइम मिनिस्टर सर का जो गोल है कि इंडिया में सोलर का मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होना है और आत्मनिर्भर होना है, ये स्टोरी बहुत स्ट्रांग चल रही है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इस सेक्टर में काफ़ी ग्रो हो रहा है। एंड अगले 3-4 साल में मैं समझता हूँ कि इंडिया में हमारे पास इस वैल्यू चेन में सब कुछ अवेलेबल रहेगा कि हमको किसी पर डिपेंड ही नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इंडिया में अवेलेबल रहेगा। अभी आपके प्लांट्स मोस्टली तेलंगाना में हैं, तो क्या किसी और स्टेट में भी, इंडिया के अंदर, यूएस में तो ऑफकोर्स आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, इंडिया के अंदर किसी और स्टेट्स में भी आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं और भी प्लांट्स लगाने का सोच रहे हैं? तो हम इवेल्यूएट कर रहे हैं, हमारा जो वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हम इवेल्यूएट कर रहे हैं। अभी तक हमने जीरो नहीं किया कि कौन से लोकेशन में करेंगे, बट जब हो जाएगा तब हम बिल्कुल मार्केट से शेयर करेंगे। बिल्कुल श्रीनिवास, एक सवाल वैसे तो लगता है कि एचआर ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, लेकिन कंपनीज के लिए भी बड़ा वैलिड होता है कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या प्लान्स हैं, अगर मैं उसको सम अप करके सोचना चाहूँ तो। ये आई थिंक चिरंजीव जी ने ऑलरेडी अच्छे से इसको स्टार्टिंग में बोले थे कि जो DNA जो शब्द है, राइट, हमारे DNA में ये है कि हमेशा टेक्नोलॉजी पे फोकस करें और बैकवर्ड इंटीग्रेट करें, राइट, स्टार्टेड फ्रॉम अ प्रोडक्ट टू मॉड्यूल टू सेल टू नाउ वेफर, राइट। सो एज वी गो अहेड हमारा जर्नी वैसे ही रहेगा, वी वॉन्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग सोलर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेयर, आई थिंक दैट इज़ आर इंटेंट, वो DNA हमारा चलता रहेगा। इंडिया एज वेल एज अ डाइवर्सिफाइड मार्केट, इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारा चलता रहेगा, नॉट जस्ट इन इंडिया, वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड अक्रॉस। सो जो भी हमारा लास्ट 30 ईयर्स हमें यहाँ तक ले आए, आगे भी वही सेम हार्डवर्क, सेम DNA के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चिरंजीव जी, श्रीनिवास जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें बताई, फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस किया। एक बार फिर मैं IPO के डिटेल आपको बता दूं कि IPO खुल रहा है 27 अगस्त को और क्लोज होगा 29 अगस्त को। IPO का प्राइस बैंड जो है वो 427 रुपये से 450 रुपये है, और इस IPO से कंपनी 2830 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।